गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन स्टडी एट इलाहाबाद। मैं और भाई आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एट इलाहाबाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम पे हमने एरे में सर्चिंग के टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। दो टेक्निक्स पढ़े थे, एक लीनियर सर्च और दूसरा बाइनरी सर्च। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए टू डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं। टू डायमेंशनल एरे जैसे होगा उसी प्रकार से मल्टी डायमेंशनल एरे भी हो जाएगा। अब पहले हम लोग बात करेंगे 2D एरे होता क्या है, व्हाट इज टू डायमेंशनल एरे। याद करिए, अभी तक हम जब एरे की बात करते थे तो हम कहते थे कि एरे इज अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे क्या है? अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है जो एक दूसरे के अगल बगल है, जिसमें हम होमोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं और उनको एक नाम से एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो ये जो एरे है इसी को हम लोग कहते हैं 1D एरे। क्या होते हैं? वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे है तो क्या है? अगर हम वन डायमेंशनल एरे की बात करें तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज है कि नहीं? ये क्या है? लिस्ट ऑफ वैल्यूज। कुछ वैल्यूज की लिस्ट है जो एक के बाद एक स्टोर की गई है। जब हम 2D की बात करते हैं, टू डायमेंशनल एरे, तो वो भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज है पर वो टेबुलर फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि मैंने जब कहा 10 बच्चों का मार्क्स स्टोर करो, क्या कहा मैंने? 10 बच्चों का मार्क्स स्टोर करो, तो आपने एक एरे ले लिया जिसकी साइज रख दी 10 और उसमें 10 बच्चों का मार्क्स स्टोर कर दिया। बट अगर मैं आपसे कहूं हमारे पास 10 बच्चे हैं और हर बच्चे का 3 सब्जेक्ट है, कितने? तो 10 बच्चों के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करो, 10 बच्चों के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करो। अब देखिए, या तो हम 3 अलग अलग एरे ले, पहले सब्जेक्ट के लिए एक एरे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरा एरे, तीसरे के लिए तीसरा, कर सकते हैं। अगर हम 50 सब्जेक्ट होता और 1000 स्टूडेंट होते तो क्या करते? इतने अलग अलग एरे लेते, ले सकते हैं, बट वो सही तरीका नहीं है। यहाँ पे जब हमने कहा हमें 10 बच्चों का 3 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है, तो मैं एक दूसरा एरे लूंगा जिसमें डेटा को हम टेबल फॉर्म में स्टोर करेंगे। अब इसमें 3 कॉलम हो जाएंगे, कितने? 3। ये जो कॉलम है पहले सब्जेक्ट के लिए है, ये कॉलम, और ये रो पहले स्टूडेंट का है, ये दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का, इस तरह से होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डेटा है वो टेबल ऑफ वैल्यूज के रूप में स्टोर किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टू डायमेंशनल एरे है वो क्या है? ये एक टेबल ऑफ वैल्यूज है। क्या है? टेबल ऑफ वैल्यूज है, जिसमें हमारा डेटा एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज्ड है, टेबुलर फॉर्म में स्टोर है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में स्टोर है। अब इस टेबुलर फॉर्म में कुछ रोज है, ये क्या है? रोज है, और ये कॉलम्स है। तो यहाँ पे डेटा को हमने रो और कॉलम के रूप में अरेंज करके रखा हुआ है, राइट। अगर हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो मान लेते हैं एरे का नाम सपोज हमने एक्स रखा है, तो अगर इसको एक्सेस करना है, इस वाले एलिमेंट को, तो हम उसको एक्सेस करने के लिए वहां पे सिंगल डायमेंशन में एक इंडेक्स का सहारा लेते थे। कौन सा? जो नंबर है, कुछ इंडेक्स नंबर। यहाँ पर देखिए इसमें 2 इंडेक्स लेना पड़ेगा, एक तो रो का इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान रखिए इंडेक्स हमेशा किससे शुरू होता है? 0 से। इसी तरह से कॉलम का इंडेक्स होगा 0, 1, 2। तो इसका इंडेक्स क्या हो गया? x, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 1। समझ में आया? तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? उसका रो नंबर और उसका इंडेक्स नंबर, सॉरी कॉलम नंबर, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। ठीक है, लिख लीजिए। अ टू डायमेंशनल एरे और 2D array can be represented as a table of values। हम अपने 2D array को टेबल ऑफ वैल्यूज के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए बाकी सब नियम वही है, होमोजीनियस होगा, कंटिन्यूअस होगा, मतलब मेमोरी में एक के बाद एक होंगे। ठीक है, द डेटा इन एरे इज represented in the form of rows and columns। हमारे एरे में जो डेटा होगा वो किस रूप में अरेंज होगा? रोज और कॉलम्स के रूप में। हमने बताया 2D array में क्या होगा, उसको हम टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, यानी कि रोज और कॉलम के रूप में। टू एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ द एरे वी नीड टू इंडेक्सेस। हमें दो इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, है ना? कौन कौन से? रो इंडेक्स, वेरी गुड, एंड कॉलम इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दूसरे रो का पहला एलिमेंट एक्सेस करना है, दूसरे रो का पहला, तो हम लिखेंगे x, दूसरा रो मतलब 1, वेरी गुड, और पहला कॉलम मतलब, ठीक है ना? तो ये हुआ एरे का नाम, ये हो गया रो इंडेक्स और ये हो गया कॉलम इंडेक्स। समझ में आया? तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप दो इंडेक्स का सहारा लेंगे। कौन कौन सा? रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। समझ में आया? इज दैट क्लियर? वेरी गुड। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। Declaring 2D array, 2D array अगर डिक्लेयर करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे 1D करते थे, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2D array। अगर आपको 2D array डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे आपको दो इंडेक्स बताने पड़ेंगे, एक नंबर ऑफ रोज और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि आपको एरे की साइज बतानी पड़ेगी, टोटल कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है ना? टू डिक्लेयर एनी 2D array we use the following syntax। अगर हमें 2D array यूज करना है तो हम सिंटैक्स क्या यूज करेंगे डिक्लेयर करने के लिए? डेटा टाइप किस टाइप का? एरे है। फिर एरे नेम, एरे का नाम जो रखना है वो, फिर नंबर ऑफ रोज, रो साइज, फिर नंबर ऑफ कॉलम यानी कॉलम साइज। ये सिंटैक्स है आपका एरे डिक्लेयर करने का, 2D एरे डिक्लेयर करने का। तो आपके पास सिंटैक्स हो गया एरे नेम, डेटा टाइप एरे नेम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। उदाहरण के लिए अगर मुझे 10 बच्चों के 3 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है, कितने बच्चे हैं टोटल? 10 और कितने सब्जेक्ट हैं टोटल? 3। तो मैं एरे कैसे डिक्लेयर करूंगा? एरे हो जाएगा मेरा डेटा टाइप इंटीजर, मार्क्स स्टोर करना है तो इंटीजर पर्याप्त रहेगा, और यहाँ पे हमने एरे का नाम रख दिया सपोज मार्क्स। कितने बच्चे हैं? 10 और कितने सब्जेक्ट हैं? 3। ये हो गया हमारा 2D एरे डिक्लेयर करने का तरीका। ये एग्जाम्पल में चाहो तो इसको नोट कर लो। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो जिस तरह से आपने 2D एरे डिक्लेयर किया, ध्यान से सुनिए, जिस तरह से आपने 2D एरे डिक्लेयर किया उसी तरह से आप 3D, 4D, 5D, 6D जितने डी लगाना चाहे उतने डी लगा लो। देखिए 2D में 2 एलिमेंट होंगे, 2 हो गए रो और कॉलम, 3D में एक और हो जाएगा, 4D में 4 हो जाएंगे, 5D में 5 इंडेक्स हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल तक का पढ़ना है। तो सिमिलरली वी कैन डिक्लेयर 3D, 4D और मल्टीडाइमेंशनल एरेज। ठीक है, जैसे हमने 2D किया इसमें 2 हो गए, 3D में 3 हो जाएंगे, 4D में 4 एंड सो ऑन। क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये है हमारा मल्टी डायमेंशन, भी इसी तरीके से होगा। अब चले हम लोग ये भी देखें कि जैसे 1D एरे को हम लोग इनिशियलाइज करते थे, 2D को कैसे करेंगे, फिर उसका इनपुट कैसे लेंगे, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। हेडिंग डालिए इनिशियलाइजिंग 2D एरेज। को इनिशियलाइज करना, जैसे कि हमारा 1D में हम लोग 2 तरीके से करते थे, एक डायनेमिक, दूसरा डिफर्ड, याद है ना? वैसे यहाँ पे भी 2 तरीके होंगे। हम 2D एरे को डायनेमिकली भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और डिफर्ड तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? वी कैन इनिशियलाइज a 2D array dynamically or deferred। या तो डायनेमिकली करेंगे, डायनेमिकली मतलब जैसे डिक्लेयर करें तुरंत उसमें इनिशियल वैल्यू डाल देंगे, और डिफर्ड मतलब डिक्लेयर पहले करें, इनिशियलाइज वैल्यू बाद में करें। तो चलिए पहले हम देखते हैं डायनेमिकली कैसे करेंगे। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करना हो तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं मेरे पास एक एरे है X जिसमें 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। कितने? 4 रोज 2 कॉलम्स। उसे इनिशियलाइज करना है उसके सारे एलिमेंट को 0 से। उसके सारे एलिमेंट्स को कितने से इनिशियलाइज करना है, जीरो से। तो कैसे करेंगे? डेटा टाइप इंटीजर, एरे का नाम मान लो एक्स है, डायनेमिक कर रहे हैं तो इसमें अभी साइज नहीं बताएंगे, अभी साइज यहां पे नहीं बताएंगे। अब इक्वल्स टू इसमें इनिशियलाइजेशन करना है, ठीक है। टोटल 4 रोज चाहिए और 2 कॉलम। अब देखिए कैसे कर रहे हैं। 0,0 पहले रो का पहला कॉलम, पहले रो का दूसरा कॉलम, दोनों में 0,0 कॉमा। आप चाहे तो इसके आगे लिखें, चाहे तो नीचे लिखें, दोनों सही है। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रो का पहला और दूसरा कॉलम, तीसरे रो का पहला और दूसरा कॉलम, चौथे रो का पहला और दूसरा कॉलम, और ये खत्म। और यहां पे लग जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? टोटल कितने रोज हो गए? 1 2 3 4। टोटल कितने रोज हो गए? 4। और टोटल कितने कॉलम हो गए? 2। यहाँ पे नहीं बताया, बट वैल्यू से उसको पता लग जाएगा। अब ये क्या करेगा? मेमोरी में एरे को ऐसे बनाएगा, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा रो, तीसरा रो और चौथा। और यहाँ पे ये 0 यहाँ आ गया, 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 ये 0 यहाँ आया, ये 0 यहाँ आया, और ये 0। सब वैल्यू को इसमें रख सकते हैं फिर से 0। ये हमने पहले एक बार भी बताया था, वैल्यू आपको जो इनिशियलाइज करना है वो करिए। 0 से करना है 0 से करिए, 1 2 3 जो करना चाहे। बट आमतौर पे हम लोग 0 से करते हैं, इनिशियल वैल्यू 0 तब रखते हैं अगर उसको जोड़ने के लिए यूज करना है, अगर मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करना है तो 1 से करते हैं। क्यों? क्योंकि 0 किसी नंबर में जोड़ेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 मल्टीप्लाई के लिए क्यों रखते हैं? क्योंकि 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ये है हमारा एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका डायनेमिकली। ध्यान रखिए, जब एरे का साइज छोटा हो तब तो ये सही है, बट एरे का साइज बहुत बड़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा है कि ये बहुत लंबा चौड़ा दिखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं? डिफर्ड इनिशियलाइजेशन का सहारा लेते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि डिफर्ड इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे। जैसे हम 1D एरे में डिफर्ड इनिशियलाइजेशन में क्या करते थे? लूप का सहारा लेते थे। यहाँ पे भी हम लोग लूप का सहारा लेंगे, बट चूंकि यहाँ पे 2 इंडेक्स हैं तो इसलिए हम लोग नेस्टेड लूप का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? नेस्टेड, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, है ना। तो अगर आपको डिफर्ड इनिशियलाइजेशन करना है तो हम क्या यूज करते हैं? वी यूज नेस्टेड लूप फॉर डिफर्ड इनिशियलाइजेशन। डिफर्ड इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे? नेस्टेड लूप का। उदाहरण के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक एरे है int x 10 5, मतलब x एक एरे है जिसमें टोटल कितने रोज हैं? 10 रो हैं, और कितने कॉलम हैं? 5 कॉलम्स हैं। अब इनको इनिशियलाइज करने के लिए मुझे 2 लूप चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए लूप चलाने के लिए, i और j, ठीक है ना। अब क्या करें? फॉर पहले रो का लूप चलता है i equals to 0 I is less than 10, I plus plus, और इसके अंदर दूसरा लूप चलाएंगे कॉलम के लिए। J का लूप 0 से लेकर 5 तक चलेगा। J is less than 5, J plus plus, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, X और I J is equals to, जिससे इंस्टॉल करना है वो वैल्यू हमने सब में क्या रखा। तो देखिए होगा क्या, अब कितने कॉलम बनेंगे, 5, 2, 3, 4, 5 कॉलम हो गए। और कितने रोज बनेंगे, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कॉलम, 10 रो हो गए। अब देखिए जब लूप चलेगा पहले आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्या आई 10, ये हमारा कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, ये रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जब हमारा आई की वैल्यू 0 हुआ, क्या आई 10 से कम है? हाँ है। फिर नीचे आ जाएगा, अंदर क्या लिखा है, J इक्वल्स टू 0। अब J की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्या J 5 से कम है? हाँ है। अंदर आया, यहाँ पे क्या लिखा है, X आई की जगह 0 0, X 0 0, यानी ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। फिर J प्लस प्लस, J हो जाएगा 1। क्या J 5 से कम है? हाँ, तो X I J, I अभी भी 0 है, 0 1, यहाँ पे भी 0। फिर 2 हो जाएगा, 0 2 0 3 0 4। जब 5 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, I प्लस प्लस, I हो गया 0 था 1। क्या I 10 से कम है? हाँ है। फिर यहां से नीचे आएगा, फिर J 0 हो जाएगा। तो अब की बार 1 0, यहां पे 0 होगा, फिर यहां होगा, फिर इस तरह से सब में 0 कर देगा। समझ में आया? ये तरीका है आपका डेफर्ड इनिशियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया? तो जिस तरह से आप इनिशियलाइज करने के लिए नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी प्रकार से इनपुट लेने के लिए भी नेस्टेड लूप लेंगे, प्रिंट करने के लिए भी नेस्टेड लूप लेंगे। ठीक है ना? तो अभी हमने देखा कि 2D एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। अब हम बात करें इनपुट लेना और आउटपुट करना। यानी कि अगर हमें एरे में कुछ स्टोर करना है, कुछ इनपुट लेना है, तो कैसे करेंगे, और एरे में जो स्टोर है उसको प्रिंट कैसे करेंगे। ठीक है? तो अभी हमने बताया कि अगर हमें डेटा इनपुट लेना है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, नेस्टेड लूप्स, और डेटा को प्रिंट करना है तो भी नेस्टेड लूप्स। जैसे हमने इनिशियलाइज करने के लिए नेस्टेड लूप चलाया, वैसे ही इनपुट लेने के लिए भी क्या करेंगे, नेस्टेड लूप चलाएंगे। वैसे ही प्रिंट करने के लिए भी क्या करेंगे, नेस्टेड लूप चलाएंगे। क्लियर? तो लिख लीजिए, टू इनपुट और स्टोर डेटा इन अ 2D array, we will use नेस्टेड लूप्स। अगर आपको 2D एरे में डेटा इनपुट लेना है, स्टोर करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, नेस्टेड लूप्स। ठीक है ना? इसी प्रकार से अगर 2D एरे को प्रिंट करना है तो भी हम लोग क्या करेंगे, नेस्टेड लूप का ही प्रयोग करेंगे। सिमिलरली टू प्रिंट एनी 2D array we will use nested loops। अब देखें इनपुट लेने के लिए कैसे करना है इनको। फॉर I इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं वही 10 और 5 वाला है, अरे हमारा 10 रो और 5 कॉलम वाला है। फॉर I इज इक्वल टू 0 I इज लेस देन 10 I प्लस प्लस, और यहाँ पर फॉर J इज इक्वल टू 0 J इज लेस देन 5 J प्लस प्लस। यहाँ मैंने मैसेज दिया printf, एंटर अ नंबर, नंबर में एक नंबर इनपुट कराओ, और इनपुट लेने के लिए स्कैनफ है ना, और यहाँ पे परसेंट डी, और यहाँ पे एम्परसैंड एक्स आई जी। अच्छी हैबिट, हाँ ये हो गया हमारा इनपुट लेने के लिए लूप्स, नेस्टेड लूप्स, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रिंट करना है तो भी क्या करेंगे, नेस्टेड लूप का हिस्सा लेंगे। कैसे? फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस, और इसके अंदर दूसरा लूप चलेगा फॉर जे इज इक्वल टू 0 जे इज लेस देन 5 जे प्लस प्लस। printf परसेंट डी और स्पेस दे दिया टैब, और यहां प्रिंट कर दिया एक्स आई जे, नीचे लिख दे रहे एक्स आई जे। और जब एक कॉलम पूरा प्रिंट कर ले उसके बाद नेक्स्ट रो में जाए, नीचे प्रिंट करना है तो हम क्या लिखें, न्यू लाइन, प्रिंटफ न्यू लाइन। अब देखिए पूरा एक रो तीनों पांचों एक साथ लिख देगा, एक के बाद एक, उसके बाद अगली लाइन पे जाएगा, फिर पांच और लिखेगा, इस तरह से 10 बार कर देगा तो आपका प्रिंटिंग हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा लिखने इनपुट लेने के लिए और प्रिंट करने के लिए तरीका होगा। क्लियर? आज इतने पे ही हम क्लास को रोकते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम इसका एक प्रोग्राम लिख के देखेंगे कैसे इसका प्रोग्राम लिखा जाएगा और कैसे उसमें हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।